हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. लेट्स रीड लेसन माय एल्डर ब्रदर. दिस इज़ फ्रॉम यूनिट 4 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5, मैरी गोल्ड. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रेस्पेक्टफुल टू ईच अदर. द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आर डे टू डे एक्सपीरियंसिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी, बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. बच्चों, ये जो स्टोरी आपकी ली गई है, ये मुंशी प्रेमचंद की एक स्टोरी है हिंदी में. उसका नाम है बड़े भाई साहब. ये उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है. ये एक शॉर्ट प्ले है जो कि आपको ये बताता है कि दो भाई हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. और वो ये भी इस लेसन में बताया गया है कि हमारे जो डे टू डे रोज़ाना की लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि हम स्कूल में और बुक्स में सीखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. सीन 1. अ हॉस्टल रूम. टू ब्रदर्स एजेड 9 and 14 ईयर्स सिटिंग एट अ स्टडी टेबल. द एल्डर ब्रदर भैया इज़ रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. यहाँ पहला सीन स्टार्ट हुआ है. एक हॉस्टल के रूम में दो भाई बैठे हैं. एक भाई 9 साल का है और दूसरा 14 साल का है. दोनों ही स्टडी टेबल पर बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, बुक रीड कर रहा है और छोटा भाई पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है बर्ड्स एंड एनिमल्स की. भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, आई एम ड्राइंग. भैया पूछते हैं, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना बताता है, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम, भैया बोलते हैं, तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना आंसर देता है, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग. भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? भैया, मैं सुबह खेल रहा था और कोई कैसे बैठ सकता है घंटों के लिए किताब लेकर पढ़ते हुए? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. इफ़ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 ईयर्स टू डू 1 ईयर्स वर्क. तो भैया कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मेरी पढ़ाई की नींव मजबूत हो सके. जब नींव मजबूत होगी तभी एक बिल्डिंग अच्छे से खड़ी रहेगी. इसीलिए कभी कभी मुझे 1 साल की पढ़ाई करने में 2 साल का समय लग जाता है. मुन्ना, भैया यू आर 5 ईयर्स ओल्डर देन आई एम एंड 3 क्लासेज अहेड ऑफ मी. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, 1 sentence मोर देन 20 times एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटिफुल लेटर्स. तो मुन्ना पूछता है भैया से, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो लेकिन सिर्फ मुझसे 3 क्लास ही आगे हो, और आप ऐसा क्यों करते हो कि एक एक सेम वर्ड को 20 times यानी 20 बार लिखते हो, एक ही सेंटेंस को 20 बार कॉपी करते हो, एक ही पोएम को सुंदर सुंदर तरीके से ब्यूटीफुल लेटर्स के साथ में बार बार लिखने की कोशिश करते रहते हो? भैया, यू नो स्टडीइंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली. ट्रीमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन. कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी? यहाँ भैया जवाब देते हैं कि तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू ट्राई, किसी को बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ती है अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए. बहुत मेहनत लगती है. लेकिन जैसे ही तुम्हें थोड़ा सा मौका मिलता है या तो तुम बाहर मैदान में भाग जाते हो, मार्बल्स यानी कंचे खेलने लगते हो, काइट्स उड़ाने चले जाते हो या फिर दोस्तों के साथ खाली बैठकर मज़े करते हो. क्या तुम आराम से बैठकर पढ़ नहीं सकते? ये भैया समझा रहे हैं अपने लिटिल ब्रदर को. अब सुनिए मुन्ना क्या कहते हैं. मुन्ना, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया, आज विलेज में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, क्या वहाँ हम जाएं? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ
क्रिकेट और हॉकी मैच, आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard earned money. यहाँ भैया जवाब देते हैं कि क्या तुमने मुझे कभी फेयर यानी मेले में जाते हुए या क्रिकेट हॉकी मैच देखते हुए देखा है? मैं उनके पास भी नहीं जाता, मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ उसके बजाय, और मैं एक क्लास को 2 या उससे ज़्यादा बार भी रिपीट करना माइंड नहीं करता, बुरा नहीं लगता मुझे, बट मुझे लगता है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही क्लास में रहोगे. क्या तुम्हें लगता है तुम इस तरह से अपना टाइम खेलने में बर्बाद करोगे तो तुम पास हो जाओगे? तुम्हें पता नहीं है, यू आर वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, यानी कि तुम अपने पापा की, हमारे पापा की मेहनत से कमाई हुई मनी को, पैसे को बर्बाद कर रहे हो. मुन्ना स्टार्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स वा 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 हु आर हर्ट. तो मुन्ना रोना शुरू कर देता है और उसके रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं. मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. मुन्ना कहता है, भैया मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ से भाग जाऊँ और अपने घर पहुँच जाऊँ यहाँ हॉस्टल से भाग कर. भैया, Now, now, stop crying, put on a nice smile, look, I will make a timetable for you to follow, get up at dawn. यहाँ भैया कहते हैं कि रो मत, अब थोड़ा सा स्माइल करो और देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ. तुम्हें सुबह डॉन यानी भोर के समय, बहुत सुबह जब सूरज निकलता है उस टाइम उठना पड़ेगा. अब यहाँ भैया एक टाइम टेबल बना देते हैं जिसमें भैया लिख देते हैं कि 6 AM पर आपको वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, यानी पढ़ने बैठना है 6 बजे. 6 to 8 AM सुबह में 6 से 8 बजे तक इंग्लिश पढ़नी है. 8 to 9 AM मैथ्स, 9 to 9:30 AM हिस्ट्री, 3:30 PM देन ऑफ टू स्कूल, 5 to 6 PM ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, 6:30 to 7 English composition, then dinner, translation, Hindi, other subjects, and then to bed. भाई ने सुबह 6 बजे से रात में 11 बजे तक का पूरा टाइम टेबल बना दिया. अब देखिए छोटा भाई क्या कहता है. मुन्ना, but when is time to play? When is the time to play? But खेलने का टाइम कहाँ है? भैया, play, what is the need, मुन्ना? खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना? मुन्ना, Oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hoo-too-too sound of the kabaddi. And the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. मुन्ना कहता है, भाई मुझे green, green fields में, हरे हरे मैदानों में जाना, अच्छी ठंडी हवा बहुत पसंद है. मैं फुटबॉल की तरह वहाँ जंप करना चाहता हूँ भैया, मैं कबड्डी खेलना चाहता हूँ, मुझे वॉलीबॉल, ऐसे वॉलीबॉल गेम जो है ऐसे मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचता है, और जैसे ही मैं फील्ड में जाता हूँ मैं अपनी हर एक चीज़ भूल जाता हूँ. अब सीन 2 शुरू होता है बच्चों. द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिज़ल्ट्स आर आउट. फाइनल एग्ज़ाम पूरे होने के बाद रिज़ल्ट आता है. भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन. मुन्ना, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास नाउ, देयर इज़ ओनली 2 ईयर्स डिफरेंस बिटवीन अस. मुन्ना बताता है, भैया कहते हैं, अरे मैं एक बार फिर फेल हो गया. मुन्ना कहता है, लेकिन भैया मैं तो पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, और अब आपके और मेरे बीच में सिर्फ 2 साल का डिफरेंस रह गया. भैया बोलते हैं, बट माई ब्रदर, Don't be so proud. You have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while in a gulli danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra and geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. यहाँ भैया समझाते हैं कि मेरे छोटे भाई, अगर आप पास हो गए हो तो इतना प्राउड मत करो. तुमने सिर्फ 1 क्लास पास की है, और ये मत समझो कि
मैं फेल हो गया तो मैं स्टूपिड हूँ और आप स्मार्ट हो। गुल्ली डंडा गेम में सिर्फ आपको एक ही बार, अगर आप लकी हो तो एक बार ही अगर गोल पर गुल्ली लग जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गेम के मास्टर हो गए हो, आप माहिर हो गए हो उस गेम में। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाबी पाने के लिए बहुत परिश्रम की, मेहनत की ज़रूरत होती है। जब आपको एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पढ़ोगे हायर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में, तब आपको पता चलेगा कि मेहनत का क्या फ़ायदा होता है। इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट्स ए सी बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ज्योमेट्री में अगर आप ए सी बी के बदले ए बी सी लिख दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एग्जामिनर आपको छोड़ेगा नहीं उसे एक छोटी सी गलती के लिए, वो आपका आंसर काट देंगे। और वो आपको चाहते हैं कि आप अपनी बुक में से वर्ड बाय वर्ड सेम आंसर याद करो। अब मुन्ना कहता है, ओ भाई साहब दिस इज़ स्केयरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कम्प्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। अब मुन्ना कुछ समझता है और बोलता है, ओ भाई साहब ये तो बड़ा स्केयरी है, मुझे डर लग रहा है सुनकर, मुझे नहीं लगता कि मैं 9th क्लास में जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब अपना हर दिन का होमवर्क कंप्लीट करूँगा ताकि क्लास में मुझे पनिशमेंट ना मिले, सज़ा ना मिले। भैया जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 pages एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट्स ऑल सो मिक्सड अप। भैया बताते हैं कि आज की क्लास की बात सुनो, हमें एक शॉर्ट एसे लिखने को कहा गया था पंक्चुअलिटी टॉपिक पर, और 4 pages का एसे, क्या इमेजिन कर सकते हो आप कि 4 pages और शॉर्ट एसे, कुछ भी ये वाली बात समझ में नहीं आती। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। मुन्ना कहता है, सोचता है थिंकिंग अलाउड के थैंक गॉड ये टाइम स्कूल या किसी और चीज़ का शुरू हो गया, वरना तो ये भैया का डांटना ऑन एंड ऑन जाता ही रहता, लगातार चलता ही रहता। Scene 3, अब बच्चों Scene 3 की बात हो रही है। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। भैया वॉज रियली अपसेट, मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। भैया नाउ बिकम्स जेंटल विद मुन्ना, मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। Scene 3 में फिर से एक बार रिजल्ट आता है और इस बार भी वही होता है कि मुन्ना पास हो जाता है और भैया फिर से फेल हो जाते हैं। भैया बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और मुन्ना भी उन्हें देखकर सैड फील करता है और अनहैप्पी होता है। अब भैया पहले से थोड़े जेंटल हो गए, अब उसको उतना डांटते भी नहीं, लेकिन मुन्ना पहले से ज़्यादा नॉटी, शरारती हो गया और पहले से भी कम पढ़ाई में ध्यान देने लगा। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आह आई एम लकी आई कैन पास ईजिली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। मुन्ना ज़ोर ज़ोर से कहता है, आह आई एम लकी, यानी मैं तो बहुत ही लकी हूँ, मैं इतनी आसानी से पास हो जाता हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, अब मैं आराम से गेम्स खेल सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ जाकर काइट्स उड़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा कि भैया मुझे काइट्स उड़ाते हुए ना देख लें। वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। एक दिन एक काइट काफ़ी नीचे की तरफ आ रही होती है उड़ते हुए, तो मुन्ना उसके पीछे भागना शुरू कर देता है उसको काइट को पकड़ने के लिए। अचानक सामने भैया आ जाते हैं, भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड। भैया
मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. यहाँ भाई उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती सारा दिन काइट्स उड़ाते हुए? तुमको पता है तुम अब 8th क्लास में आ चुके हो और तुमको अब तुम छोटी क्लास में नहीं हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं सिर्फ तुमसे एक ही क्लास आगे हूँ और मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ 5 साल और हमेशा 5 साल बड़ा ही रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. Understanding या समझदारी सिर्फ books पढ़ने से ही नहीं आती है। Ma और Baba की तरफ देखो, Ma तो कभी school ही नहीं गई और Baba ने सिर्फ 5th class pass की हुई है। मुन्ना, really भैया? Is that true? भैया, yes, there are 1,000 things that they know more than you or me. And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. Now, what would you do if I were to fall sick today? अब भैया कहते हैं, हाँ, ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो माँ और बाबा हमसे बेहतर, हमसे ज़्यादा जानते हैं, और अगर हम कितना भी पढ़ लें लेकिन तब भी माँ और बाबा हमेशा उनका ये अधिकार है कि वो हमें गलती करने पर डांटें और हमें समझाएं। अच्छा चलो, फिर भाई एक बात पूछते हैं भैया कि एक बात बताओ, अगर मैं बीमार पड़ गया तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुन्ना कहता है, मुझे पता नहीं भैया, मैं तो बाबा को बता दूंगा और वो हॉस्टल आ जाएंगे जल्दी से। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। भैया कहते हैं, हाँ मुझे पता था तुम यही जवाब देने वाले हो। अब पापा अपसेट नहीं होंगे, सुनने के बाद में परेशान नहीं होंगे, वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है और उसके बाद डॉक्टर को बुलाएंगे, और उन्हें एग्जैक्टली पता है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन्हें पता है कब क्या करना है। मुन्ना, विद टीयर्स इन हिज आईज, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। तो मुन्ना कहता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं उसके, और वो बोलता है, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, जो जो आपने कहा वो बिल्कुल सच है। भैया हक्स मुन्ना लविंगली, भैया छोटे भाई को प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुन्ना, आई लव यू भैया। भैया कहते हैं, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी काइट्स फ्लाई करूँ, मुझे भी पसंद है खेलना, लेकिन अगर मैं ये सब कुछ खेलूँगा, काइट्स फ्लाई करूँगा, तो तुम्हें कौन देखेगा? तुम मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना आप सब बात समझ जाता है और लास्ट में कहता है, आई लव यू भैया। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपको कैसा लगा? मुझे पता है बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, अब आप भी इस लेसन की रीडिंग करिए। थैंक यू।